नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। यूं तो उत्तर प्रदेश में रथ यात्राओं का इतिहास बहुत पुराना है और अगर वो राजनीतिक रथ यात्राएं हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक उठापटक और सामाजिक उठापटक दोनों शामिल हो जाती हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव करीब हैं और उसी को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रथ यात्राएं शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने कल अपनी रथ यात्रा शुरू करी और करीब 190 किलोमीटर की ये जो रथ यात्रा है इसमें करीब 52 विधानसभा की सीटें इस रथ यात्रा में आती हैं। इसके अलावा प्रसपा, प्रगतिशील समाज पार्टी, हालांकि शिवपाल और अखिलेश के बीच लग रहा था कि कुछ सामंजस्य बैठ जाएगा और ये जो रथ यात्रा होनी थी ये शायद एक साथ हो सकती थी, लेकिन सामंजस्य नहीं बैठा और इस वजह से शिवपाल सिंह यादव अलग अपनी रथ यात्रा इस वक्त चला रहे हैं। आज वो आगरा में हैं और आगरा में वो आज जनता के बीच अपनी रथ यात्रा लेकर पहुंचे हुए हैं। इसी तरह से अखिलेश यादव भी हमीरपुर से निकले हुए हैं और वो जनता के बीच इस वक्त रूबरू हो रहे हैं। मैं जिन 52 सीटों की बात कर रहा हूं, उन 52 सीटों पर ज्यादातर बीजेपी का ही कब्जा रहा है अगर हम बीते विधानसभा चुनाव में देखें। हालांकि कहा तो जरूर जाता रहा है कि वहां पर जो दूसरी अन्य पार्टी उत्तर प्रदेश की विपक्षी दल है उनमें भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा बटा है, लेकिन अगर अभी बीते चुनाव में हम देखें, बीते विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी का दबदबा सबसे ज्यादा रहा है। बसपा के खाते में वहां पर एक भी सीट नहीं आई थी बीते विधानसभा चुनाव में। सपा के खाते में 4 विधानसभा की सीटें आई थी और कांग्रेस के खाते में 1 आई थी और ज्यादातर इन 52 सीटों में से बीजेपी का ही कब्जा यहां पर रहा है। यह बात हो गई उन जगहों की जिन 190 किलोमीटर की रथ यात्रा अखिलेश यादव लेकर निकले हुए हैं करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार अपने जो एजेंडे हैं उन्हें सेट करने में लगी हुई है। लगातार वो संगठन को मजबूत करने में लगी है, लगातार मीडिया टीम को मजबूत करने में लगी है कि कुछ भी करके इस बार उस जीत को दोहराया जाए, क्योंकि एक इतिहास उत्तर प्रदेश में रहा है लंबा। उस इतिहास में कभी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल ने दोबारा यानी सेकंड फेज में अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई है, लेकिन बीजेपी पूरे दमखम के साथ कह रही है कि हम जितनी सीटें पिछली बार जीत कर आए थे उससे ज्यादा सीटें इस बार जीत करके आएंगे। हालांकि ये दमखम जो है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी दिखा रही है और उत्तर प्रदेश में कई सारे अन्य जो छोटे छोटे दल हैं वो भी दिखा रहे हैं। छोटे दलों की अगर बात करी जाए तो ओम प्रकाश राजभर उसमें सबसे प्रमुख नाम अगर हम ले तो कहीं ना कहीं इसमें आपको और हमारे बीच में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपी राजभर ने बहुत पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जोड़कर एक बड़ा संगठन बनाएंगे और उस संगठन के जरिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। बीते दिनों उनकी मुलाकात शिवपाल सिंह यादव से भी हुई है, बीते दिनों उनकी मुलाकात ओवैसी से भी हुई है, वो रावण से भी, जो चंद्रशेखर रावण है उनसे भी मिलते रहे, अखिलेश यादव से भी कुछ बातचीत उनकी चल रही थी और अभी अगर हम देखें तो लगातार ओम प्रकाश राजभर पूर्वी क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का है जहां पर वो काफी मजबूत बताए जाते हैं, जहां पर जो राजभर वोट बैंक है काफी बड़ी संख्या में है, वहां पर लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच बने हुए हैं। तो ये बात हो गई छोटे छोटे दलों की। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई में तैयार है। बीजेपी का कहना यह है कि आने वाले 100 दिनों में, पहले तो उनका 3 महीने का एक कार्यक्रम होना है जिसमें वो संगठन को मजबूत करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं बताने वाले हैं। इसके अलावा 100 दिन 100 योजनाएं एक कार्यक्रम और बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा जिसमें केंद्र के बड़े नेताओं में अगर हम आपको बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, तो जितने बड़े सीनियर लीडर हैं बीजेपी के वो सारे सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश की राजधानी में रहेंगे और राजधानी से ये जो सिलसिला है वो शुरू होएगा। अलग अलग जिलों में जाकर के 100 दिनों में 100 योजनाएं सरकार की बताई जाएंगी और कमियां बताई जाएंगी विपक्षी की, जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या काम नहीं किया है और हम जब सत्ता में आए तो हमने कितना काम कर दिया है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में न्याय की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम न्याय यात्रा के तहत जनता के बीच जाएंगे और उत्तर प्रदेश में जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था के सवाल को जनता के बीच में पूछेंगे कि आखिर आपने जिनको वोट दिया था वो आपके बीच में क्यों नहीं आते हैं जब इन कानून व्यवस्था के सवालों से आप उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। लखीमपुर से बनारस की जो ये लड़ाई थी, पहले बनारस में आपने देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी की जो रैली हुई थी वहां पर बड़े संख्या में लोग मौजूद हुए थे और उसके पहले लखीमपुर की जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में सबसे पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लखीमपुर पहुंचे थे। कल भी प्रियंका गांधी लखीमपुर गई थी और आज उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करी है इस पूरे मामले को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश में रथ यात्राओं का दौर जारी है और यूपी की ये जो सियासी जंग है इसका जो आगाज है वो हो चुका है। ये
जो ताज है किसके सर सजेगा ये भी देखना अहम है, लेकिन लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जो शुरुआत है, अपनी जो तैयारी है वो कर दी है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों से अछूते हैं। इनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता किन समस्याओं से जूझ रही है, इनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में कोयला खत्म हो गया है तो बिजली क्यों कट रही है, बिजली कटने के आदेश भी सरकार की तरफ से ही दिए गए हैं कि बिजली काटी जाए अगर समस्याएं हो रही हैं कोयला नहीं है तो, और कई सारे पावर प्लांट जो हैं जहां से बिजली सप्लाई होती थी वो भी, पावर स्टेशन जो हैं वो भी बंद हो गए हैं। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं हैं, हालांकि वो केंद्र की हैं जिसमें तेल और डीजल है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर जो टैक्सेस हैं उनको कम कर दिया जाए तो आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। दवाइयां महंगी हैं, बच्चों की फीस है, राशन है, कई सारी जो चीजें हैं, जो आम समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, हमारी आपकी समस्याएं हैं, वो अभी भी जो सत्ता दल है और विपक्षी दल है वो अभी भी इन समस्याओं को नहीं पकड़ पा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमारी जो जमीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता के बीच लेकर के ये राजनीतिक दल कब आने वाले हैं, और क्या रथ यात्राओं से, क्या सम्मेलनों से, क्या मुलाकातों से, और क्या योजना गिना देने से जनता का लाभ होएगा या नहीं होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और लगभग सभी राजनीतिक दलों से हमारे साथ जो मेहमान हैं इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, हम उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले हम तारुफ करवाएंगे बीजेपी से, हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर कुमार सिंह सिद्धू जी, इसके अलावा अभिमन्यु त्यागी हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीसम जैदी हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अतीक खान है SBSP से, प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं मीसम भाई आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज बीजेपी से शुरू नहीं करते, आज आपसे शुरू करते हैं। आप लोग रथ यात्रा शुरू आप लोगों ने करी है, 190 किलोमीटर की ये रथ यात्रा है जो आप लोगों की पहले फेज की, ये बीजेपी वाले क्यों उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होना है इन रथ यात्राओं से, चाचा से बात नहीं बनी, अगर चाचा से बात बन जाती तो शायद साथ में ये रथ यात्रा शुरू हो जाती थी, लेकिन बात नहीं बनी, तो जब परिवार में ही बात नहीं बनी तो जनता के बीच जाके क्या बात बनाएंगे? धन्यवाद। देखिए, ये तो समय बताएगा कि इस रथ यात्रा से कितना लाभ पहुंचेगा। ये शुरू से ही घबराते चले आए हैं कि अपनी जो जितना भी इन्होंने कार्य किया है, जो ये अपने मैनिफेस्टो में फेल रहे, अपनी सरकार में अंकुश नहीं लगा पाए गुंडागर्दी पर, अपराध पर, वो चाहे महिलाओं के लिए हो या आम जनता के लिए या किसानों के लिए हो, ये रथ यात्रा मकसद है सिर्फ जनता तक, जन जन तक उन वादों को पहुंचाना जो ये करने में असफल रहे और जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और वक्त आने पर जनता इनको बता भी देगी कि इन्होंने जो वादे किए थे उस पर कर पाए नहीं कर पाए। ये इसी बात से घबराते हैं कि सच जनता तक छुपाया जाए। अच्छा, ये झूठ बेचना चाहते हैं मार्केट में और झूठ को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि जिससे जनता अहम मुद्दों से भटक जाए और इनको उसका फायदा मिले। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं आपके, जनता उमड़ रही है, जनसैलाब उमड़ रहा है, वो खरीदे लोग नहीं है, बुलाए हुए लोग नहीं है, और वो वाकई जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि इन्होंने चाहे वो शोषित हो, गरीब हो, वंचित हो, किसान हो, और समाज के तबके के अन्य तबकों से आया हुआ जितना भी व्यापारी वर्ग है, नौजवान है, इन्होंने सबको ठगने का काम किया है, और वही काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, हम आते हैं। सुधीर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग ये जो 100 दिनों में 100 योजना गिनाने वाले हैं जनता के बीच जाके, और आपके सेंट्रल के कई सारे नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब इन योजनाओं को गिनाने के लिए अलग अलग जिलों में जाएंगे, तो क्या उसमें ये भी बताएंगे कि क्यों 100 के पार पेट्रोल हो गया, क्यों 950 रुपया का सिलेंडर हो गया, क्यों दाल और तेल सरसों का 200 रुपया हो गया? ये योजना भी आप लोग इसमें बताने वाले हैं कि आखिर ये महंगाई इतनी क्यों हो गई उत्तर प्रदेश में, और आम जनता समस्या में क्यों है? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि भैया रोजगार नहीं है तो हम 200 रुपए का तेल कहाँ से खरीदें, 100 रुपए का पेट्रोल कहाँ से जलवाएं? नितिन जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है और मेरे साथी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। हम सब लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं, ये समाज भी देख रहा है, जनता भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 200 से ऊपर योजनाएं किसानों के लिए केवल चलाई, जिसमें लगभग 82 योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई गई। आज समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे जिस समाज में रहने वाला कामगार व्यक्ति हो, उस सब के लिए हमारी पार्टी वचनबद्ध तरीके से और करबद्ध तरीके से काम अपना कर रही है। निश्चित तौर पर हमें केवल और केवल जनता के बीच जा करके हमने
जो संकल्प लिया है कि हम हर घर जाएंगे, हर घर की कुंडी खटखटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ये कांग्रेस लगभग लगभग हमारे जनता के बीच में कार्य पहुंच चुके हैं। तो ये कांग्रेस वाले क्यों कहते हैं कि आपके नेता इस कदर परेशान है कि वो क्षेत्रों में जा नहीं सकते, क्षेत्र में जाएंगे तो वहां से भगा दिए जाएंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं और लगातार इस तरह के ट्वीट करते हैं कि किसानों का भुगतान नहीं हुआ, गन्ना किसान परेशान है, सरकार सुनती नहीं है। ये तो सब आपके सामने सर्वविदित है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले ही माननीय मोदी जी ने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले किसानों का भुगतान, किसानों की ऋण माफी की जाएगी। और आप सब जानते हैं उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से हस्ताक्षर होगा तो किसानों की हितकारी योजनाओं को होगा। अच्छा। और आप जानते हैं कि गन्ना का भुगतान लगभग 36,000 से अधिक करोड़ रुपए का बकाया था जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनते ही उसका भुगतान किया गया। और लगभग लगभग सवाल लगभग लगभग सभी किसानों का जिनको 1,00,000 से तक का ऋण था उनको माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया। त्यागी जी बहुत ज्यादा हंस रहे हैं आपकी बातें सुनकर। नहीं, त्यागी जी को हंसने काम है क्योंकि कांग्रेस के पास में अब हंसने के सिवा कुछ रह नहीं गया है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और आने वाले दिनों में जल्द ही क्षेत्रीय पार्टी बनने वाली है। अच्छा, उसके लिए मैं उनको स्वागत भी करता हूँ कि जल्दी से क्षेत्रीय पार्टी बन के अपना काम आगे बढ़ा। तो इसमें क्या आप लोग लगे हुए हैं क्या, इसी वजह से सबसे पहले प्रियंका गांधी को लखीमपुर आप लोग ने भिजवा दिया और बाकी सबको रोक लिया था? नहीं देखिए, अब आप तो खुद ही समझदार हैं। नहीं, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। कहावत हम लोग के यहाँ कही गई कि नाम बड़े दर्शन थोड़े। कहने को इतनी पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन घूम घूम कर केवल उत्तर प्रदेश ही नजर आ रहा है जहाँ पर उनकी सरकारें हैं, राजस्थान में वहां जाने का नाम नहीं है, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से वहां पर आतंकवादियों के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, किस प्रकार से खड़यंत्र किया जा रहा है, इन सब लोगों को उसकी चिंता नहीं है। केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर घूम के रहना, क्योंकि अब ये भी आने वाले समय में ये भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं, मैं इनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। अच्छा, चलिए ठीक है, हम भी बधाई देते हैं। अरे त्यागी जी, आप लोग क्षेत्रीय पार्टी हो रहे हैं ये सुधीर जी बता रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं लोग आपका। कांग्रेस मुक्त का ये नारा देने वाले लोग आज इनके पार्टी में 104 सांसद कांग्रेस पार्टी के बुलाए हुए सांसद, ये उन्हें गंगा जी में इन्होंने नहला दिया, शुद्धिकरण कर दी, अब वो पाक साफ है। जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे तो आज इनकी जो पार्टी है वो पूर्ण तौर पे खुद ही कांग्रेस युक्त होने जा रही है। जो कांग्रेस के जो बागी लोग थे, जो भ्रष्टाचारी थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रहे हैं, जिनका कार्यकर्ता। ना त्यागी जी, हमें ये बताइए, त्यागी जी ये बताइए, ये सुधीर जी कह रहे थे कि किसानों का जितना भुगतान हमने कर दिया कोई नहीं कर पाया है, लेकिन मैं एक चीज आपसे भी पूछना चाहूंगा और सुधीर जी से भी पूछना चाहूंगा कि पिछले बार जब बजट पेश किया गया था तो उस बजट में किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो बजट आया था उस बजट का कितना हिस्सा जो है वो किसानों के ऊपर लगाया गया है और कितनी आय दुगनी हुई है, ये सुधीर जी भी बताएं और त्यागी जी आप भी बताइए। 2017 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने मेरठ की रैली में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो 14 दिन में गन्ने का बकाया दिया जाएगा। आज 2 साल का गन्ने का बकाया शुगर मिलों पर है, 14,000 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों का सरकार पर है। तो ये कौन सा भुगतान कर दिए जो बता रहे सुधीर जी की हमने भुगतान कर दिया सबसे ज्यादा? जो इनका गन्ना मंत्री है सुरेश सिंह राणा, जो मुझे फन्नगर दंगे के अभियुक्त भी रहे हैं, वो अपने 2017 से पहले जब वो विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी, तब चुनाव में वो उस दौरान भाषण देते थे कि 450 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम होना चाहिए, और इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी 375 रुपए क्विंटल दाम का वादा किया था। आज इस सरकार में जब ये सरकार बनी 2017 में, तब 10 रुपए क्विंटल रेट बढ़ाया और अब 2021 में 25 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया, 35 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ा है। आज गन्ने का दाम महज 350 रुपए क्विंटल है और इन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो 375 रुपए क्विंटल है। इनका झूठ तो सीधा पकड़ में आ रहा है। 14,000 करोड़ किसानों का बकाया है, मोदी जी अपने लिए 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद सकते हैं पर गन्ना किसानों का बकाया नहीं दे सकते हैं। किसान MSP के लिए लगातार 11 महीने से संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और जहां तक किसान कर्ज की बात है, किसान कर्ज किन का माफ हुआ है?
किसी का माफ नहीं हुआ है, किसी के पांच पैसे, किसी के दस पैसे, किसी के पांच रुपए, किसी के दस रुपए। त्यागी जी, जिले में 1,000 किसान नहीं ला सकते। त्यागी जी, कर्ज माफ हुआ है। सुनिए भाई त्यागी जी, ये सुधीर जी हंस रहे हैं बड़ा आपकी बातें सुन सुन के। ये तो हंसेंगे ही, क्योंकि ये तो जनता पे हमेशा हंसते हैं। पहले ये हंसते थे स्वतंत्रता सेनानियों पर, तभी अंग्रेजों की तरफ थे, आज ये पूंजीपतियों की तरफ है। आज ये पूंजीपतियों की तरफ से हंस रहे हैं जनता के ऊपर। ये तो हमेशा दूसरी तरफ रहे हैं जहाँ जनता रही है। पहले अंग्रेजों की तरफ थे, आज पूंजीपतियों की तरफ है। आज सिलेंडर के दामों को लेकर आम आदमी परेशान है, जीएसटी के बड़े दामों को लेकर, जीएसटी के जो रिफॉर्म है सौ से ज्यादा कट चुके हैं, व्यापारी परेशान है, अब मेरा एक सवाल लीजिए। ये कुछ गन्ने का दाम आप लोगों ने बीते दिनों बढ़ाया था, शायद मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मेलन किया था किसानों का और उसमें गन्ने का जो दाम था वो बढ़ाया था, 325 रुपए समथिंग हो गया था। आपकी पार्टी के एक सांसद है वरुण गांधी, उन्होंने पत्र लिखा था कि भैया इसका दाम और बढ़ाना चाहिए था, सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है। तो जब आपकी पार्टी के लोग खुश नहीं है, आपके सांसद खुश नहीं है, तो किसान कैसे खुश होगा? देखिए हमारी पार्टी नितिन जी लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने विचार रखने की सबको स्वतंत्रता है। अच्छा, वो उनका विचार है, वो अपना उनका निजी विचार है। मैं उसमें, वरुण गांधी जी बड़े नेता हैं, मैं उनके विचारों पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने क्या सोच के ऐसा कहा होगा, मेरी संज्ञान में भी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, आप ऐसा बता रहे हो, मेरी जानकारी में आ रहा है जी। उन्होंने सीएम साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने तो 25 रुपए किसानों के गन्ने के मूल्य को बढ़ाने का काम भी किया। इनसे पूछो कि पांच साल में 25 रुपया बढ़ा दिया आप लोगों ने, इनकी सरकारें रही पांच साल में 25 रुपया बढ़ा दिया, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? जब जब इनकी सरकारें, इन्होंने क्या किया? नहीं, पांच साल में 17 से पहले जाइए, मैं ये कह रहा हूँ 17 से पहले जाइए, 17 से पहले इन्होंने क्या किया था? मैं ये कह रहा हूँ पांच साल में तो आज किसानों की आय को दोगुना करने के लिए तमाम तरह की योजना चला रही। ये जो लखीमपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनको क्या आय दोगुना करना नहीं पता था क्या कि इनकी आय दोगुनी होने वाली है? ये काय के लिए आए थे? देखिए अब प्रदर्शन का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, ये किसान के लोग कर रहे थे, किसान के नेता लोग कर रहे थे, कैसे कर रहे थे क्या, वो सब आपकी जानकारी में है। अच्छा, मैं वर्तमान परिस्थिति में जो आपने प्रश्न किया उसके जवाब में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इतिहास उठा करके देखें कि 2017 से पहले 36,000 करोड़ रुपया बाकी था तो किसकी सरकार थी 2017 के पहले? आप उनसे प्रश्न कीजिए। हमने भुगतान किया तो हमको कट घरे में लाने से पहले जिन्होंने उतना कर्ज बढ़ाया था 36,000 करोड़ रुपया किसानों को रख करके अपने पास रखा हुआ था, भुगतान नहीं किया था। आप ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए। पूछ लेंगे, अभी सपा वाले आपके बगल में बैठे, मैं पूछ लूंगा, पर लेकिन उसके पहले मैं अतीक खान के पास चलूंगा, एसबीएसपी से हमारे साथ मौजूद है। अतीक भाई ये बताइए, ये आप लोग कोई यात्रा उतरा नहीं कर रहे हैं क्या, ना कोई सम्मेलन कर रहे हैं, खाली आप लोग अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, वहीं पर आप लोग रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी को कैसे हराएंगे भाई? क्या साथ में जाने का इरादा है क्या कुछ? बीजेपी के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, लेकिन एक चीज जान ले, आपने कहा था किसके सर सजेगा ताज, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसके साथ जाएगी उसके सर पे सजेगा ताज। अच्छा, और एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि 27 अक्टूबर को हमारे यहाँ महारैली का आयोजन किया गया है, महासभा का, उसमें हम तय करेंगे कि किसके सर पे हम ताज पहनाएंगे। तो सुधीर जी इन्वाइट है कि नहीं उसमें? बिल्कुल, सुधीर जी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अच्छा, भाजपा को छोड़ करके बाकी हमारा दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी पार्टी भाजपा को छोड़ करके कोई भी पार्टी हमारे साथ आ सकती है और हम उसी को ताज पहनाएंगे। बिना भागीदारी संकल्प मोर्चा के संभव नहीं है कि कोई ताज पहन। भाजपा से क्या नाराजगी? वो तो कह रहे हैं हमने किसानों का जितना भुगतान कर दिया कोई नहीं कर पाया, हम जितना काम कर रहे हैं कोई नहीं कर पाया, इतनी नाराजगी क्यों है भाजपा से? नाराजगी का सबसे साथी थे पुराने उनके। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह ये है कि ये किसान जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए। किसानों को कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ा है किसानों को बर्बाद करने में। अच्छा, सबसे बड़ी आपको देख लें लखीमपुर की घटना में, हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर लिखी गई, अभी तक इनके मंत्री को मोदी जी ने गिरफ्तार नहीं किया। कम से कम अभी तक इनके मंत्री खुले घूम रहे हैं। तो इस तरह से आप चैनल पर तो झूठ ना बोले कि हाई कोर्ट के आदेश में एफआईआर लिखी गई, एफआईआर तो पहले लिखी जा चुकी थी। माननीय ज्ञान अर्जित करें, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तब जाकर के जांच शुरू हुई। ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान अर्जित। आपको बता दूं कि आपके सत्ता में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी
जब सुप्रीम संज्ञान लिया तो आपके साथ आने का कोई सवाल नहीं। हम अगर हमारा दरवाजा खुला हुआ है सारी पार्टियों के लिए, कर लेते हम वेलकम करते हैं सारी पार्टियों को और 27 तारीख को हम घोषणा करेंगे हम जिसके साथ जाएंगे। ठीक है, जो किसानों को दो मिनट में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री त्यागी जी, हाँ त्यागी जी क्या कह रहे थे आप बताइए, सरकार त्यागी जी क्या कह रहे थे आप बताइए, क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है सरकार, किसको टैनी को, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को? नहीं तो आज तो इनके आज किसानों को धमकी दी आज दो मिनट में सबक हमसे कम भारत के राज्य मंत्री का नाम सम्मान को बचाने के लिए कार्य नहीं करेंगे, बच्चा नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट तो शायद की गिरफ्तारी भी ना होती। अरे तो आज जी लखनऊ में आए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री घूम रहे थे, किसानों की हत्या कर दी है इन लोगों ने, सुन तो लीजिए, नरसंहार हुआ है लखीमपुर में, गाड़ी चढ़ा दी गई। त्यागी जी मैं ये कह रहा था उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, आज वो लखीमपुर गए थे, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात करी है और जब सब कुछ शांति है, क्योंकि बीजेपी कह रही सब शांत हो गया है सब कुछ ठीक ठाक है, तब भी आप लोग पता नहीं क्यों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम बीच बीच में खींच रहे हैं। सुधीर जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए, मंत्री से थोड़ा काम चलेगा, सुन लीजिए, नहीं सुधीर भाई सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं गए जी वो पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए, पीड़ित परिवार के किसानों से क्यों नहीं मिलने गए प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और साथ में योगी जी क्यों नहीं मिलने गए, अपने मंत्री को क्यों भेज रहे हैं, वो ऐसा क्या डर है कि वो नहीं जा रहे हैं वहाँ, डर है क्या किसी जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, नहीं डर क्या आपको लगता है किसी बात का डर है, ऐसा क्या डर है आपको लगता है किसी बात का डर है, नहीं जाना चाहते त्यागी जी, लगता है कि आपको किसी बात का डर है, किसानों के पास नहीं जाना चाहते त्यागी जी, आपको लगता है किसी बात का डर है, अंबानी अडानी से डरते हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ आपको लगता है कि किसी बात का डर है सरकार को तभी नहीं जा रही किसानों के बीच, हमको लगता है नहीं, हमें बिल्कुल लगता है किसानों को लगता है देश की जनता को, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मिशम भाई किसानों के बीच में जाने, मिशम भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा त्यागी जी जो कह रहे हैं कि किसी बात का डर है बीजेपी के नेताओं को इसी वजह से वो लखीमपुर नहीं जा रहे, क्या सच है ऐसा हो सकता है, नहीं कर सकते पूरे उत्तर प्रदेश में, इससे अच्छा तो कोई नहीं जानता होगा क्योंकि ये सत्ता में है, उनको मालूम है कि हमने क्या कर रखा है 5 सालों में, अच्छा इनसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। हाँ ये बात अलग है कि जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो ये पलट करके पिछली बातें शुरू कर देते हैं, नहीं ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो जितना भुगतान नहीं किया था या जितना बकाया हो गया था वो सब हम लोग को करना पड़ रहा है, तो क्यों ऐसी सरकार आप लोगों ने चलाई भाई, सत्ता में ये जो नारा दे करके आए थे तो यही तो नारा दे के आए थे, तो सत्ता में तो जब सबका विकास, तो अब करने में इनको कौन सी तकलीफ है, अब तो इनके पास पूरी पावर है, अब तो डबल इंजन की सरकार है ना इनके पास, अब तो दिल्ली में भी है यूपी में भी है, अरे भाई जो नहीं हो पाया वही आप करके दिखा देते, आखिर आपकी वजह से किसान रोड पर आ गया है, इसमें भी नेहरू जी का हाथ है, इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, अब कर तो दी इन्होंने, तो ये पूछते हैं ना, ये तो हमसे सवाल पूछने लगते हैं कि पिछले क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, ये सवालों से सपने खत्म कर दिए इन्होंने, देखिए नहीं नहीं आप लोग समझ नहीं पा रहे, इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, इन्होंने रोजगारी खत्म कर दिया, बहुत सी बातें करी जी, रोजगार की जगह इन्होंने नौजवानों को खत्म करना चाहा है, किसानों का कर्जा माफ करने की जगह ये देश से किसान खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं लोगों को रोजगार दिया गया, क्या छोड़ दिया है दुनिया से रोजगार का मुद्दा, देखिए आप लोग इनका काम ये है, देखिए इनका काम है, हमारा काम है जो कहना वो करना, भटकाना और जो ये कर चुके अब इनका काम खत्म हो गया, अब समय आ गया है, आप देख रहे हैं 4.5 लाख वाला रोजगार कौन सा है मिशन भाई जी, 4.5 लाख रोजगार इन लोग ने दिया है, कहते हैं कि हम लोग ने दिया है, इन्होंने तो कई लाख करोड़ रुपए भी बांटा है, त्यागी जी आ रहा हूँ प्लीज, त्यागी जी आ रहा हूँ, एक एक करके मिला उसको मिला होगा, इन्होंने तो रोजगार 4.5 लाख रोजगार ने डाला, 26,000 करोड़ लाख रुपया इन्होंने बांट डाला और अभी भी 100 योजनाएं शुरू कर रहे हैं, उसका उन्होंने फीता काटना शुरू कर दिया चुनाव आने से पहले, ये सब कारण क्या कह रहे, जमीन पर धरातल पे उतरता नहीं दिख रहा है और ये जनता अच्छी तरह से जान चुकी है, इनका समय निकट आ चुका, ठीक है सर, हाँ, आज देश और प्रदेश की जनता को ये जो 4.5 लाख नहीं मैं जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए 4.5 लाख रोजगार की बात कर रही हूँ, त्यागी जी आ रहा हूँ प्लीज आपके पास आ रहा हूँ, रोजगार की भी बात होगी, मैं आ रहा हूँ प्लीज आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ प्लीज, हाँ आज देश और प्रदेश की जनता को ऐसे दौर में बीजेपी ने ला करके खड़ा कर दिया है कि आज खाने के तेल से लेकर के जलाने के तेल से लेकर के रसोई गैस में आग लगी हुई है,
बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी पिटाई कर रही है, और योगी जी के राज्य में ये पता चल गया है कि अब जाति देख करके लोगों को मुआवजे मिल रहे हैं, जाति देख करके नौकरियां मिल रही है, जाति देख करके उनके साथ न्याय हो रहा है। अच्छा। तो जितना अत्य करना था इन्होंने कर दिया, अब जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, बस भाजपा का की विदाई हो जाएगी। और आपको सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिसने सत्ता को लात मारी है उसी के पैर में आकर के सत्ता गिरी है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इनकी पार्टी को लात मारा था, और अरे नहीं भाई लात मारा बिल्कुल, मैं आपको बताऊं इस्तीफा दिया था सर, बिल्कुल आपके लिए अपने शब्दों का चयन ठीक करें, आप मेरी बात सुनें में रह के बात करें, आप राजनीतिक दल हैं, आपकी जरा भाषा शैली ठीक होनी चाहिए सर, हमने आपकी भाषा शैली आपकी पार्टी छोड़ी थी सर, हमने आपकी पार्टी छोड़ी थी, हमने आपकी पार्टी छोड़ी थी, सामाजिक न्याय सामाजिक बोलना नहीं आता, सामाजिक न्याय समिति आपको मंच पे बोलना नहीं आता, सामाजिक न्याय सर चिल्लाने से कहने की तमीज नहीं है, चिल्लाने से चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो। अरे आपको पहले अपनी भाषा शैली ठीक कीजिए, बिल्कुल मैं अपनी भाषा शैली ठीक कर रहा हूं, भाषा शैली पहले आप सच्चाई सुनने की क्षमता रखिए, सच्चाई सुनिए, सच्चाई बताइए, लेकिन जरा सा संयम ढंग से बोल रहा हूं, संयम को ठीक से रखकर चलिए, हमारी पार्टी ने आप बैठे हैं आपको पूरा देश देख रहा है, बिल्कुल देश देख रहा है, वही तो आपकी सच्चाई बता रहा हूं, आपको देख रहा है, आपकी भाषा शैली क्या है देख रहा है, महोदय आपके चिल्लाने से मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं आप मेरी बात सुने, आपकी जवान पे आप मेरी बात सुने, बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी, हमने आपकी पार्टी को छोड़ी है, संस्कारों में रहकर श्रीमान जी आप हमें संस्कार मत सिखाइए, आप ही की पार्टी के लोग चीरहरण कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा भाषा शैली सुधार के बात, बिल्कुल भाषा शैली सुधार के कह रहा हूँ, आपकी पार्टी को हमने छोड़ दिया, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, को बुलाने जा रहा हूं, बिल्कुल हमें जरूरत है सर, इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, तो केवल और केवल काम है कि सत्ता में किसके साथ बने रह सकते हैं, सत्ता में जुगाड़ लगा के हम कैसे मंत्री बन जाएं, इसके अलावा दूसरा काम ही आपके पास नहीं है सर, हमें गरीबों पिछड़ों दलित अल्पसंख्यक हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो ये लड़ाई लड़ेगा हमारा दल उसके साथ है, एक साल से मोदी जी और योगी जी गरीबों की चिंता कर रहे हैं, पूरा कोरोना काल बीत गया तब आपको चिंता नहीं हुई कैसे लोग खाना खाएंगे, कैसे जो लोग बाहर है बाहर जा रहे हैं कैसे अपने घरों को वापस जाएंगे, जो लोग बॉम्बे दिल्ली से पलायन करके आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं अपने घरों पर जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, तब किसी ने उनको बिजली के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, कोरोना काल कोरोना काल में आपने जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, इसके अलावा कोई बात नहीं है, क्यों छुट्टी मिल रही है, इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिल रही है आपको, कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते क्यों घट रही है, मुद्दे पे आते, सरकारी संस्थानों को क्यों बेचा जा रहा है, जवाब दीजिए, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे आपके पास कुछ है नहीं तो जवाब क्या लेंगे त्यागी जी, मुद्दे पे आते हैं त्यागी जी, ये बताइए अब आप है ना, सुनिए त्यागी जी प्लीज सवाल ले लीजिए, आप बताइए गोरखपुर में व्यापारी की हत्या जिन पुलिस वालों ने करी वो अभी भी क्यों फरार है, जवाब दीजिए, नहीं उसमें गिरफ्तारियां हो गई है, 11,900 मामले एससी एसटी के खिलाफ है उत्तर प्रदेश में, एनसीआर भी जांच रहा है, 60,000 मामले महिलाओं के खिलाफ है, जानकारी है उसमें गिरफ्तारी हो गई है, एक सिपाही अभी नहीं गिरफ्तार हुआ उसमें बाकी गिरफ्तारियां हो गई है, साइबर क्राइम है, सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश के संगीन मामला है, 4,000 मामले, चलिए ठीक है त्यागी जी हमें ये बताइए, त्यागी जी ये बताइए, ये सब तो बातें हो गई, ये सब तो रोज हो अल्लाह आप लोग मचाया करते हैं, ये बताइए चुनाव की रणनीति आगे आप लोगों ने क्या तय करी हुई है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि कोई न्याय यात्रा भी निकालने वाले हैं जिसमें बीजेपी की जो कमियां है वो जनता के बीच जा जाके बताएंगे, तो कौन कौन सी वो प्रमुख कमियां है, क्योंकि इन्होंने तो कहा कि हमने गन्ना भुगतान कर दिया, हमने किसानों को जितना बकाया था वो दे दिया, हमने 4.5 अरे सुन तो लीजिए प्लीज प्लीज भुगतान नहीं हुआ है, अरे सुन तो लीजिए फिर अपने आप बताइएगा आप, इन्होंने कहा हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, हमने आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, हमने बिजली दे दी, सब तो इन्होंने दे दिया, आप बताएंगे क्या, कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है वो उस अन्याय के खिलाफ है जिसमें अपराध है, बताना चाहिए भी इनको, वो अन्याय के खिलाफ है जो किसान 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए, वो उस अन्याय के खिलाफ है कि 2 साल से गन्ने का बकाया उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिला, वो उस अन्याय के खिलाफ है कि 375 भुगतान कर दिए, कह रहे हमने तो भुगतान कर दिया है, ये झूठा आंकड़ा है, अच्छा ये बिल्कुल झूठा आंकड़ा है इनका, 2 साल से गन्ना किसानों को बकाया नहीं मिला है, 14,000 करोड़ का गन्ना बकाया है, ये शाखा से लेकर आए हैं अपना डाटा, शाखा का आंकड़ा बता रहे हैं, ये प्रकार से शाखा का और पूंजीपतियों का जोड़ दीजिए उसमें, ठीक है, अंबानी अडानी का आंकड़ा लेकर आए हैं ये,
ठीक है सर, ठीक है मिसम भाई, आप बताइए जो आंकड़े दिए जा रहे हैं सुधीर सिंह जी जो दे रहे हैं कि हमने इतना भुगतान कर दिया, इतने रोजगार दे दिए, 4.5 लाख, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या जब वो गांव में पहुंचेगी न्याय यात्रा, ठीक है त्यागी जी हो गया प्लीज, हो गया आंदोलन हो जाएगा, राजशाही छात्र जुट जाएगा, त्यागी जी हो गया प्लीज, आते हैं आपके पास त्यागी जी, आते रोजगार न्याय यात्रा हो जाएगी, किसान न्याय यात्रा हो जाएगी, जब व्यापारी के साथ जी का ऑडियो डाउन डाउन कर दीजिए प्लीज, लिहाजा गलत तरीके से प्रबंधन लगा के जो जीएसटी है तो ये व्यापारी न्याय यात्रा हो जाएगी, जन जन जुड़ने वाला है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मत बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, अभी मैं आऊंगा आपके पास। हाँ योगी जी को ले जाएं जमीन पर उतरे और उतरने के बाद किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों, महिलाओं का दर्द जब ये बांटेंगे तो इनको पता लगेगा इन्होंने 5 साल क्या किया। देखिए बैठ करके एसी रूम में आदेश दे देना, एसी रूम में बैठ करके शासन कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जनता के बीच रूबरू होना, जनता के अच्छा बीच। ये बताइए मिसम भाई, ये बात बात में दिल्ली के नेता क्यों बुला लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश की? ऑब्वियसली आप देख लीजिए, इनसे प्रदेश समझ ले रहा, इनके इनके नेताओं में आपसी आपसी समन्वय है ही नहीं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अभी आप देख लीजिए इतनी देर लेट हो गया इनको अरेस्ट करने के अंदर, एक मंत्री जी के बेटे को क्या वजह थी? कहीं ना कहीं आप फेल थे ना, आपकी समझ ही में नहीं आ रहा था, या तो सेंट्रल चाहता था कि अरेस्टिंग ना हो, या आप चाहते थे ना हो, और आखिरी में करना आपको वही पड़ा। अगर यही काम आपने जो देर सवेर किया, अगर यही कदम पहले उठा लेते तो कम से कम किसानों की कुछ दुआएं तो पा जाते, वोट तो आप पाएंगे नहीं क्योंकि आपने काम ऐसा कोई किया नहीं है। अच्छा। तो कम से कम गरीबों की दुआओं तो पालो, राजनीति राजनीति का भी एक धर्म होता है। तो ये लोग जनता के बीच जाएंगे कैसे? कह रहे हैं हम 100 योजना बताने के लिए कुंडी खटखटाएंगे, सुधीर जी कह रहे थे अरे जनता इनका स्वागत करने के लिए बैठी है, कैसे इनको जाने दीजिए, इनको पता लग जाएगा। एक अभी मैंने देखा इनके एक विधायक जी का बहुत अच्छा स्वागत किया गया है और आगे भी किया जाएगा, ये डर के मारे भी जनता के बीच जाएंगे। कैसा स्वागत? देखिए ऐसा ये तो भी आपको पता लग जाएगा भाई, देखिए हम तो नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे, इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है क्योंकि यही लोग दंगा करा देते हैं, यही भड़का देते हैं, तो लिहाजा हम नहीं कहेंगे। अब तो जो हमें कहना था करना था, जो इन्हें करना था इन्होंने कर लिया, अब तो जनता करेगी, अब तो जनता जवाब देगी हर चीज का और एक एक चीज का जवाब देगी। आपने बांट दिया तो आप डरते क्यों हैं जाने से? आप जाइए, आपका वेलकम है। हमारा नेता जाने से तो नहीं डरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुलेआम उन्होंने सबसे पहला बिगुल फूकने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जो निकल गए गरीबों के बीच में, और यही बात कहते हैं बीजेपी को जिताया, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमने उसके विधायक बनाए और तुमने उसके बदले क्या दिया, और इतना ठोक करके हमारा नेता खड़ा होकर के कह रहा है देखो तुमको क्या मिला 5 साल में। मेरी समझ में नहीं आता है जिसने इतना उपहार दिया हो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को, आखिर ये किसानों में जाते डर क्यों रहा? कोरोना में आप देख लो, कोरोना में इन्होंने इनके कुछ लोग तो WHO भी इनकी तारीफ कर रहा है कि भाई कमाल कर दिया। अच्छा मैं भी ये सोचता था हर पढ़ा लिखा आदमी भाई जाहिर सी बात है WHO की बात सुनेगा, CNN की सुनेगा, अमेरिका क्या कह रहा है, अरे भाई विश्व गुरु बन रहे, हम भी बहुत कुछ हो रहे थे, मगर जब आप गांव खलियान और आप जब धरातल पर जाकर के देखो तो लाशें पानी में बहाई जा रही हैं, लाशें दफनाई जा रही हैं, उनको छुपाया जा रहा है, तो मेरी ये समझ में नहीं आया क्या वाकई WHO ये सब भी देख पाता है या सिर्फ हम ही लोग को पढ़ाया गया कि WHO की तारीफें और अपनी पीठ थपथपाई गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जमीन के ऊपर हकीकत कुछ और है, पेपर में कुछ और है, और जो धीरे 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 कितना भी छुपा लें ये और इनसे छुप नहीं पाया और वो जनता के सामने आ गया, ठीक है, और जनता इसको देख रही है, ठीक है, इसका जवाब 2022 में देख लीजिए, ठीक है। सुधीर जी ये कौन से स्वागत की बात कर रहे थे? मिसम जैदी कह रहे थे कि इनका स्वागत आपके जो विधायक है आप लोग जब जाएंगे तो इस तरह से स्वागत किया जाएगा। अब ये कौन सा स्वागत है ये तो यही बता सकते हैं, हम तो कह रहे जनता खुश नहीं है, हमारा छोटा कह रहे जनता खुश नहीं है, और आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो बूथ पे हमारी बैठ के चल रही है। अच्छा। हमने तो पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक और सेक्टरों तक हमने अपना पूरा फिर से उसका जो नवीनीकरण कर दिया है। आज घर घर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, आप खुद अपने टीवी चैनल के माध्यम से बता रहे होंगे, देख भी रहेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, फिर वही बूथ, मैं फिर राजनीति, फिर नेतागिरी, फिर हमारी शक्ति है, घर है, फिर कैसे वो और गांव गली गलियारे में करना है वो करिए, दो चार महीने रखिए, जाकर के जनता के बीच में उनका हाल चाल लीजिए, और भारतीय जनता
फिर वही बूथ इनकी मौलत, इनकी मौलत चौतरफा इलेक्शन इलेक्शन कैसे जीता जाए उसको कैसे नहीं मिला है दो साल से। आप गन्ना किसानों का बकाया क्यों नहीं दे रहे हैं? आप गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ का बकाया क्यों नहीं दे रहे हैं? किसान विरोधी कार्य करते हैं हमेशा। आपकी सरकार में अपराध रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है अपराध, अपराधी खुले घूम रहे हैं। आप जाति देख के कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सर, हो गया प्लीज प्लीज हो गया कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है मिसम भाई, ओके ठीक है। 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का बेचा है। ठीक है प्लीज बाकियों को बोलने दीजिए। हाँ अभी क्या कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? लोगों की मौतें हुई है उसमें। त्यागी जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ। पार्टी सारे मुद्दों पे फेल हो गई है, इसीलिए त्यागी जी हमारे चिल्ला रहे हैं। त्यागी जी तो अपने कांग्रेस के हैं भाई, बिल्कुल सुधीर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? माफी चाहता हूँ, सुधीर जी चिल्ला रहे हैं। आप बीजेपी से मिले हुए हैं लग रहा मुझे। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, हमारी लड़ाई बेसिक मुद्दों पे है, जैसे निशुल्क शिक्षा, निशुल्क बिजली, बेरोजगारी, ठीक है, इन सब मुद्दों पे हमारी लड़ाई है। और इस बार हम जिसको चाहेंगे सरकार उसी। अच्छा, आपकी पार्टी सबसे ज्यादा, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग रैलियां कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आप लोग लगातार बने हुए हैं, ये बीजेपी वाले जो आवास और शौचालय दे रहे हैं, इसका लाभ तो किसानों को, इसका लाभ तो ग्रामीणों को मिल रहा है, तब भी आप लोग कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं है? सर, आवास क्या मिल रहा है वो आप जाकर के देख लीजिए। अच्छा। और जितने शौचालय बने हैं अभी तक एक भी शौचालय आप दिखा दीजिए, सारे गिर पड़े, किसी में कंडी रखी जा रही है, किसी में बकरियां बांधी जा रही हैं। अच्छा। तो शौचालय का हाल बहुत खराब है। अच्छा, है ना, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस इनकी स्थिति, इनकी स्थिति 2022 में खदेड़ खदेड़ करके लोग जो इनको, इनके विधायक को, इनके एमपी को हटा रहे हैं ना, और एक तरफ कहने कंडी रखी जा रही है, बकरी बांधी जा रही है, यानी दोनों कंट्राडिक्टिंग है, यानी गिर भी गए हैं और उसमें बकरी पालन किया जा रहा है, उसमें कंडी रखी जा रही है, गिर भी गए हैं। स्थिति ऐसी है कि उसमें कोई घुस नहीं सकता, तो मजबूरी है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ रखा जाएगा। जब गिर गए तो कैसे रखा जा रहा है? बेरोजगारी पे आप बहस करिए, किसानों पे बहस करिए, इन सब मुद्दों पे बहस करिए। आप जिन मुद्दों पे बहस कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, आप मंदिर, क्या तैयारी है आप लोगों की 22 की? बिल्कुल, 2022 में हमारी तैयारी यही है कि हमारे जितने भी घटक दल हैं सब बेसिक रूप से जाकर के काम कर रहे हैं सारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। और जनता आप जाकर के देखिए, पूर्वांचल के जितने जिले हैं आपको पीला गमछा हर तीसरा। खाली पूर्वांचल में लड़के थोड़ी ना जीत जाएंगे भाई आप। बिल्कुल सर, पश्चिम में भी हम लोग जीतेंगे, ऐसा नहीं है। अरे पीला गमछा है, तैयारी कर रही है, एक ही बात है, कोई बात नहीं है। सुधीर जी कह रहे हैं कि आप साथ में ही आएंगे। सुधीर जी की जितनी बातें हैं कुतार्किक है, कोई तर्क नहीं है, और ऐसी बातों का जवाब देना मुझे लगता है कि जनता जवाब देगी। कह रहे हैं वो कुछ इशारा कर रहे हैं, 2022 में सब जनता आपकी बात का जवाब देगी। अतीक भाई, सुधीर जी कहीं ना कहीं ये बहाने से आपको फुसला रहे हैं कि ठीक है दोनों का कलर सेम है तो साथ में आ जाओ। सर, जैसे पूर्व और पश्चिम दो दिशाएं हैं, जमीन और आसमान दो हैं, उसी तरीके से भाजपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा इनके 17 वाले में पूरा पश्चिम एक था क्या? 17 वाले में इन्होंने कहा था कि हम गरीबों को न्याय देंगे। हाँ। बेरोजगारी मुक्त देश करेंगे, तो विकास के मुद्दों पे हमारा इनका गठबंधन हुआ था, लेकिन ये इनका सारा मुद्दा फेल रहा, इसलिए हमने अपना किनारा कस लिया। इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा की हमारी सरकार है, ताज हमारे सर पे होगा, सरकार किसी की भी बनी लेकिन मंत्री इनको बनना चाहिए, सरकार किसी बने। इनका कहने का मतलब ये है सरकार कि मंत्री किसी बन जाए, छोड़ दिया आपके यहाँ से, उन्होंने मतलब आपके यहाँ से मंत्री पद तो छोड़ दिया, आप कह रहे मंत्री बनना चाहिए? मंत्री पद छोड़ नहीं दिया, जो हुआ वो आप सबने देखा। क्या हुआ, किन मुद्दों पर हुआ, कैसे हुआ, इन मुद्दों पर देखिए क्या हुआ था। खुल के क्यों नहीं बताते? सामाजिक न्याय समिति, उनको मंत्री बनाने का काम किया था। हाँ? हमारी सरकार की मनसा अनुसार, हमारी सरकार की मनसा जो थी उसके अनुसार चलते रहते तो निश्चित रूप से हम उनको अपने साथ में लेके चलते। और आज फिर भी अगर वो अपनी बातों को भूल करके और ये कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, उनके बनाए रीत और नीति से चलना चाहेंगे, तो हमें लगता है कि हमारा नेतृत्व विचार भी कर सकता है। बिल्कुल, आपके नेतृत्व में हमें आना ही नहीं। मिसम भाई क्या कह रहे थे?
मैं कहना चाहता हूँ सुधीर जी से खुल के क्यों नहीं कहते हैं जो लोग अब वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ खुल के बोलते हैं वो इन्हें पसंद नहीं। हाँ। ये बात आप खुल के क्यों नहीं कह देते, किस बात का डर है आपको? आप कहिए ना कि जिनके मुंह में जबान है हम उन्हें पसंद नहीं करते। अरे भाई हम भाई राजभर जी ने गरीबों की शोषितों की वंचितों का देखा, न्याय हो रहा है उनके लिए मांग करी, आपने उसके बदले उनको नकार दिया, उनका जमीर जाग गया और उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ दिया। जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसको ठोको की राजनीति करते हैं या उसको जेल भेज देते हैं या बिल्डोजर चला देते हैं। खुल के बतलाइए कि हम ऐसा करते हैं, लिहाजा मैंने बाहर कर दिया। और आज की डेट में वरुण गांधी जी बोले, आपने उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। धीरे धीरे आप काम करते हैं अपना, जिस पैटर्न पर आप चल रहे हैं, जो आपकी सरकार चल रही है, आपको अपनी नीतियां बताने के लिए डरते क्यों हैं आप कैमरे के सामने? आप खुल के क्यों नहीं बात करते हैं? आपको कहना चाहिए भाई जो बोलेगा मैं उसे बर्दाश्त, किसान बोलेगा मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, नौजवान बोलेगा मैं गोली चलवा दूंगा। भाई आप तो यही कर रहे हैं ना, तो हम तो नहीं डरते अपनी नीति बताने में, हम तो साफ साफ कहते हैं कि हमारे आप घबराते क्यों हैं अपनी नीति जनता के सामने? देखिए अब आप कहिए या ना कहिए, मगर मेरे माध्यम से आपका काम जनता का साथ देना, आपका काम अपराधियों से प्रूफ आप कहीं पे नहीं कर पाएंगे। आपका काम बस आरोप लगाना है। देखिए आपका काम आरोप लगाना है, भाजपा में आप आरोप लगाते रहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सारे संस्कार बस एक सौ बस 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 108 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर मतलब ठीक है। इतना डर राजनीति त्यागी जी के पास चलेंगे हम लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। त्यागी जी के पास चलेंगे, बहुत देर से शांत बैठे हैं। त्यागी जी आप लोग क्यों अपराधियों को संरक्षण देते हैं? सुधीर भाई कह रहे हैं कि आप लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधी आपकी पार्टी में या फिर दूसरे जो विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में इससे पहले सत्ता में थे उनके पार्टियों में संरक्षण में थे, हमारी पार्टी जब से आई, हमारी सरकार जब से आई तब से उनके ऊपर कार्रवाइयां होने लगी हैं और ये आप लोग को खलता है? पहले आला जवाब दे लें। उत्तर प्रदेश में 4000 हत्याओं के मामले हैं जो कि देश में नंबर वन है। 60,000 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के हैं, उत्तर प्रदेश नंबर वन है देश में। 11,900 मामले दलितों के खिलाफ अन्याय के हैं, उत्तर प्रदेश नंबर वन है देश में। 11 मामले रोज के साइबर क्राइम के मामले हैं, उत्तर प्रदेश नंबर वन है देश में। बाल अपराध के रोज के 20 मामले हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश नंबर वन है देश में। ये क्या सवाल पूछ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? हम जानना चाह रहे हैं कि ये अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है? ये सुधीर जी कोई सवाल पूछ रहे थे आपसे, बना रहे हैं त्यागी जी? सुधीर जी कोई सवाल पूछ रहे थे, सवाल उनका ले लीजिए। सुधीर जी कोई सवाल, सुधीर जी क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि पंजाब में किसकी सरकार है और पंजाब में उत्तर प्रदेश के किस माफिया के उन्होंने संरक्षण दे रखा है, नाम बताएंगे क्या था की जी? अगर आपको लगता है कि अरे आप नाम बताओगे नहीं बताओगे, हम भी आपकी बात हमें जवाब देने दीजिए। तो वहां मोदी जी को नहीं रोका वहां उत्तर प्रदेश में जैसे आप विपक्ष को रोकते हैं, वहां योगी जी को नहीं रोका, अमित शाह जी को, नड्डा जी को नहीं रोका हुआ, लेकिन ये काम सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है जहाँ विपक्ष के नेताओं को रोका जाता है 70 घंटे से ज्यादा समय के लिए। गिरफ्तार करके रखा प्रियंका गांधी को, लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसान परिवार जो परिजनों से नहीं ले जाना चाह रही थी। आप उत्तर प्रदेश की पंजाब में ले गए, आप उत्तर प्रदेश बात कीजिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, मैं खुद उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, आप खुद उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। यहाँ की बात कीजिए कि यहाँ सिलेंडर 1,000 रुपए का क्यों है, 40 रुपए का पेट्रोल 1,200 रुपए का क्यों पहुँच रहा है, 23 लाख करोड़ रुपए आप लोगों ने उनके ऊपर चला रहे हैं कट्टा 1,200 का 1,500 तो दीजिए ना, एनपीके का कट्टा 1,150 का 1,750 का क्यों किया आपने? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, किस माफिया को आपने रख रखा है? 40 किलो का क्यों किया? ठीक है हो गया, प्लीज हो गया, समय होने वाला है, समय हो रहा है, समय हो रहा है, हम लास्ट कमेंट सबसे लेंगे। त्यागी जी त्यागी जी त्यागी जी प्लीज बचा नहीं है त्यागी जी, जवाब देंगे क्या कमेंट करेंगे? हम लास्ट कमेंट सबसे लेंगे, सबसे पहले ये ना सरकार को जाकर, अरे पंजाब में कौन रहे आपके साथ, किसको आपने अपना आपको कहीं नहीं रोका जाएगा, खातिरदारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि यहाँ कोई क्राइम होता है, विपक्ष के नेता मिलना जाना चाहते हैं अगर पीड़ित परिवार से। ठीक है ठीक है ठीक है, त्यागी जी बस त्यागी जी त्यागी जी ये बताइए, मोदी जी की भी हिम्मत, त्यागी जी ये बताइए, अरे भाई सुन तो लीजिए, सवाल तो लीजिए भाई, त्यागी जी ये बताइए अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की, चाहे लखीमपुर हो गया, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, कानून व्यवस्था हो गया,
कैसे 22 के चुनाव में आप लोग अपने आप को सड़क पर उतारने वाले हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं, और कैसे जनता का भरोसा जीतेंगे? विपक्ष सरकार की कौन कौन सी कमियों को बताने वाला है, इसका क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, आज मुद्दा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं चारों। कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। न्याय यात्रा 12,000 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें 403 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा, और साथ में जो जो नेता आवेदक हैं विधानसभा का टिकट चाहते हैं उनको भी पॉइंट दिए जाएंगे उनकी मर्जी के हिसाब के कार्यक्रम करने के लिए। और साथ में कांग्रेस पार्टी की स्टेशनरी है, जो सरकार की जो जो कार्यशैली रही है, जो इन्होंने कार्य किया है, वो सब उन स्टेशनरी में वो सब काम है, वो सब बांटी जा रही है, वो अब बांटी जाएंगी। उसके बाद सब बांट रहे हैं, गांव गांव में आंदोलन हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में 2,00,000 नए लोग जुड़े हैं। न्याय पंचायत अध्यक्ष की कमेटी बन गई है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष, हमारे सत्तर जिलों में पूरे हो चुके हैं। जल्दी कांग्रेस पूरे चुनावी मोड में आज आ चुकी है। ठीक है जी, ठीक है त्यागी जी। मिसम भाई, आप लोग की क्या तैयारी है, क्या रणनीति आप लोगों ने अब आगे की तय की हुई है, क्योंकि रथ यात्रा आप लोगों की शुरू हो गई है, अब आगे क्या अगला चरण है और कैसे 22 की तैयारियों में आप लोग लगे हुए हैं? देखिए, रणनीति तो हमारी, हम लोग लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, समाजवाद लोग हैं, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। हमने पहले ही दिन से ही अपने आप को काम पे लगा दिया। कह रहे थे 4.5 साल बाद याद आई, कोई मतलब नहीं है, इनको ऐसा लगता है हमारा काम ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का, और वो काम पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं, और जो सरकार को इस अत्याचारी सरकार को सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने जाकर के त्यागी जी का कार्य को बताने का कार्य करें। त्यागी जी कह रहे हैं कि सुधीर जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए, मैं ऐसे बंद हो गया? कम कर दीजिए अतीक भाई, और बोल क्या रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब कट हो गए हैं। हमारे अलावा बोलने वाला कोई है नहीं। आप बोलोगे क्या त्यागी जी? आपने प्रश्न का जवाब तो दिया नहीं मेरे, मैंने पूछा आपसे। ठीक है सुधीर भाई, हो गया, आप बोलने दीजिए। सुधीर जी हो गया, बोलने दीजिए अतीक जी को। योगी जी से जैसे उत्तराखंड में आपने कई मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, आप क्या कर रहे हो? मोदी जी तो चाहते थे कि योगी जी को बदल दे, क्या कर रहे हो आप? त्यागी जी हो गया, त्यागी जी हो गया, प्लीज हो गया, खत्म करना है। ठीक है, ऐसी क्या बात? ठीक है, ठीक है, हो गया, त्यागी जी हो गया, प्लीज त्यागी जी का ऑडियो गिरा दिया जाए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात बताएं। हो गया, हो गया। हाँ अतीक भाई, क्या कह रहे थे? 27 अक्टूबर को हमारी महारैली मऊ जनपद में रखी गई है, उसमें हमारी सारी घोषणाएं होंगी कि 2022 का चुनाव पूरी रणनीति हमारी वहीं से तय होगी। हमारे जितने घटक दल हैं अभी गांव में जाकर के चौपाल लगा करके काम कर रहे हैं, और इस बार भाजपा को हराना यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीब भाजपा भगाओ, गरीबी हटाओ, यही हमारा मुद्दा। ठीक है सुधीर जी, एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष जिस तरह से लगातार लगा हुआ है, जनता के बीच जा रहा है, विपक्ष के साथ साथ जनता की नाराजगी, ये सारी चीजों से कैसे आप लोग लड़ेंगे, और क्या आप लोगों ने तैयारी अब करी हुई है आगे जाने की, क्योंकि 3 महीने से भी कम समय कहीं ना कहीं चुनाव के लिए बचा हो, चुनाव की तैयारियों के लिए बचा हुआ है। देखिए मेरी बात का जवाब तो अतीक जी ने स्वयं दे दिया, उन्होंने कहा इनका आप बार बार अतीक जी और राजभर जी पे क्यों जा रहे हैं, ये सब साथ नहीं आएंगे, इन्होंने बोल दिया है। इनका एजेंडा ये है, ये चाह रहे हैं कि हम इनके साथ चले जाएं, और आप भी चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी हो ही नहीं सकता कि हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा इनके साथ जाए। हाँ, इनको भगाएंगे जरूर, इनको यूपी से भी खदेड़ेंगे और केंद्र सरकार से भी इनको खदेड़ेंगे, दोनों गवर्नमेंट से इनको खदेड़ेंगे। हाँ बताइए क्या कह रहे थे? देखिए ये इनका अपना विषय है, एक कहावत कहेगी नाम बड़े दर्शन थोड़े, अब हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे कि इनका क्या है। मेरा आपने प्रश्न किया है कि हमारा एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो निरंतर करती रही है। जिस दिन से माननीय योगी जी ने शपथ ग्रहण किया 19 मार्च को, उस तारीख से लेकर के आज लगभग 4 साल 7 महीने हो रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी नित्य प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चल करके सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गांव गरीब किसान इसकी पूरी चिंता करते हुए चल रहे हैं। आज हमारे पास में कहीं पर हमें कोई आवश्यकता नहीं, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हमारा गांव का छोटा सा कार्यकर्ता इस बात को लड़ने के लिए तैयार है, और इस बात पूरी तरह से तैयार है कि अब की बार में हम लोग 350 पार जाने वाले हैं, इसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं। सपा भी तो कह रही 350 पार कर जाएगी। सपा का तो काम कहना है, अब वो अपना जितना कहती सोचते हैं कि 10% तक तो हम आ ही जाएंगे,
वो 10% की लड़ाई लड़ रही है। अब इनको पहले उनको ये देखना है, उनको ये देखना है कि शिवपाल जी से ज्यादा कौन पाता है, शिवपाल जी ज्यादा पाते हैं कुछ और है कि अखिलेश ज्यादा पाते हैं, मन बना चुकी है। इन तीनों में इनकी लड़ाई आपस में है कि सार कौन ज्यादा सीटें पाता है। भारतीय जनता पार्टी की कहीं है हमारी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी किसी से लड़ाई लड़ ही नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई समाज लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए समाज लड़ रहा है, सर्व समाज लड़ रहा है। जो हमने कहा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमने जीता है। मोदी जी ने तीन तलाक कानून की व्यवस्था खत्म करके सबका विश्वास जीतने काम किया। हमने राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभा करके यही सोच रहा था, निर्माण चला करके हमने अहमान बने किया। राम हमारे आराध्य देव है, बिना राम के देश नहीं है, राम के देश नहीं है। राम मंदिर बनवाया राम मंदिर का निर्माण इस देश के हर इंसान। चलिए ठीक है हो गया प्लीज खत्म खत्म कीजिए, नागरिक ने किया है, खत्म कीजिए खत्म प्लीज हो गया ठीक है, समय हो गया सुधीर जी समय हो गया, सुधीर जी निर्माण भारत के हर एक नागरिक, ठीक है हो गया प्लीज हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट खत्म कर रहे हैं हम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज आपने देखा कि हमने कोशिश तो करी कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे और आपके मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो जमीन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करी जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या कोई राजनीतिक दल इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाला है या नहीं। लेकिन सबके पास जवाब इतना था कि हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, हम पन्ना प्रमुखों की बैठक करने में लगे हुए हैं, हम जनता के बीच जा तो रहे लेकिन सरकार की कमियां बताएंगे, लेकिन इन मुद्दों पर किसी ने अभी तक बात नहीं की है। तो देखना यह होगा कि क्या 2022 में भी हम इसी तरह से वोट जाके दे देंगे, क्या राष्ट्र के नाम पर, क्या धर्म के नाम पर, क्या संगठन के नाम पर, या फिर हमें और आपको अपने मुद्दों पर वोट देना जरूरी है और हम उन मुद्दों पर वोट देंगे या नहीं। आज की डिबेट में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।